वेलकम बैक गाइस, आज मैं अमिताभ बच्चन सर की झुंड मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आने वाली एक्साइटिंग वीडियोस को मिस ना कर सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में नागपुर की झोंपड़पट्टी को दिखाया जाता है। वहां रहने वाले कुछ नौजवान बच्चे हर रोज की तरह अपना गुजारा करने के लिए इलीगल तरीके से काम कर रहे होते हैं। कुछ बाइक चुरा रहे होते हैं, कुछ ट्रेन से कोयला चुरा रहे होते हैं, कुछ फैक्ट्री से लोहा चुरा रहे होते हैं और कुछ मार पिटाई करके लोगों से पैसे छीन रहे होते हैं। और इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम अंकुश होता है। बस्ती वाले सारे बच्चे उसे डॉन कहकर बुलाते हैं। अंकुश अपने दोस्तों के साथ टोली बनाकर निकल जाता है जो सड़क पर चलते लोगों से उनके गहने और मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं। इन सब चीजों को बेचकर वो गांजा, शराब, सिगरेट और तंबाकू का नशा करते थे और यही इन सब का रोज का काम था। कुल मिलाकर ये सभी बच्चे स्लम एरिया के गुंडे मवाली थे जिनको अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रजिया होता है। उसकी अपने पति से लड़ाई हो जाती है क्योंकि तीसरी बार फिर से रजिया को लड़की पैदा हुई थी। रजिया रोज रोज की लड़ाई से काफी तंग आ चुकी थी और जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने पति को छोड़कर अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने मायके चली जाती है। अंकुश अपने दोस्तों के साथ बैठकर गांजा फूंक रहा होता है और उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो घमंडी लड़का गैराज का मालिक होता है जिसकी अंकुश के साथ लड़ाई हो जाती है। तभी लड़ाई छुड़वाने के लिए वहां पर विजय सर आ जाते हैं। वो झगड़े का कारण पूछते हैं तो अंकुश बताता है कि ये मुझे घूर रहा था। विजय सर को झगड़े का ये कारण समझ नहीं आता। विजय सर कहते हैं कि अगर मैं भी तुम्हें घूरूंगा तो क्या तुम मुझसे भी झगड़ा करोगे, और वो दोनों का झगड़ा खत्म कर देते हैं। पास में एक छोटा सा बच्चा होता है जो तंबाकू खा रहा था। जब विजय सर उसे पूछते हैं कि क्या वो स्कूल जाता है तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। विजय सर पूरी बस्ती की ओर देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि बस्ती के सारे बच्चे नरक भरी जिंदगी जी रहे हैं जिनका फ्यूचर अंधेरे में है। विजय सर एक नेक इंसान है जो स्लम एरिया के बिल्कुल साथ वाले कॉलेज में फुटबॉल कोच होते हैं। वो रोज अपने घर में लोगों को मुफ्त में पढ़ाने का काम भी करते हैं और बिना किसी भेदभाव और लालच के सबकी मदद भी करते हैं। विजय सर की फैमिली में उनकी बीवी, बेटा और एक बेटी होती है। विजय सर का बेटा जो कि कॉलेज में होता है वो उनके इन कामों से खुश नहीं था क्योंकि विजय सर की सारी कमाई वो इन्हीं लोगों की भलाई में खर्च कर देते थे तो उसे अपने खर्चे के लिए ठीक से पैसे भी नहीं मिल पाते थे। अगले दिन विजय सर जब कॉलेज से घर आ रहे थे तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो बारिश से बचने के लिए बस्ती के पास आ जाते हैं। बस्ती के बच्चे एक प्लास्टिक के डिब्बे को फुटबॉल बनाकर बारिश में ही फुटबॉल खेल रहे थे। विजय सर उनके स्किल्स देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो उन सब बच्चों को लेकर काफी इंटरेस्टेड हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंकुश अपने दोस्तों के साथ उस गैराज वाले लड़के की दुकान पर तोड़फोड़ करने लगता है और बाद में पुलिस आकर उन्हें पकड़ कर ले जाती है, लेकिन अंकुश के लोग उसकी जमानत करवा लेते हैं। अगले दिन विजय सर फुटबॉल लेकर उनके पास आते हैं और वो सब लोग वहाँ पर जुआ खेल रहे होते हैं। विजय सर उनको कहते हैं कि अगर तुम सब लोग आधे घंटे के लिए फुटबॉल खेलोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। पहले तो उन सबको यकीन नहीं होता पर वो मान जाते हैं और फुटबॉल खेलने लगते हैं। आधे घंटे के बाद विजय सर उनको 500 रुपए देते हैं और कल 6 बजे दोबारा मिलने के लिए कहते हैं। उस 500 रुपए से वो शाम को जाकर दारू पीते हैं और बिरयानी खाते हैं। अगले दिन विजय सर फिर से उनको खेलने के लिए फुटबॉल देते हैं और खेलने के बाद उनको 500 रुपए भी देते हैं। धीरे धीरे सब बच्चों को फुटबॉल खेलने का इंटरेस्ट पैदा हो गया था और वो सब मार पिटाई, चोरी चकारी, दारू, गांजा और जुआ छोड़कर मैदान में खेलने के लिए टाइम पर आ जाते थे। इसी दौरान विजय सर उनको फुटबॉल खेलने का तरीका भी सिखाने लगते हैं और धीरे धीरे वो सब बच्चे काफी इम्प्रूव भी हो जाते हैं। यही सिलसिला अगले कुछ दिन और चलता है। इसके बाद हम विजय सर के बेटे अर्जुन को देखते हैं जो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्री जाने वाला है। विजय सर कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले थे लेकिन अर्जुन विजय सर की समाज सेवा से खुश नहीं था तो वो उनकी रिटायरमेंट से पहले ही जाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन विजय सर फुटबॉल लेकर उन बच्चों के पास नहीं आते तो बस्ती वाले सारे बच्चे इकट्ठा होकर विजय सर से मिलने कॉलेज की ग्राउंड में चले जाते हैं। दूसरा कोच विजय सर को बस्ती के मवाली बच्चों से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उन बच्चों को किसी से बात करने की तमीज नहीं थी। वो सबके साथ गाली गलौज और मार पिटाई करते थे और कॉलेज की लड़कियों को छेड़ते भी थे, लेकिन विजय सर कहते हैं कि आप इतने जजमेंटल मत होइए, ये बच्चे हमारी कॉलेज की फुटबॉल टीम को पूरी टक्कर दे सकते हैं। पर दूसरा कोच कहता है कि ये सब कुत्ते की दुम है, ये कभी सुधर नहीं सकते। इसके बाद वो सारे बच्चे काफी देर तक विजय सर की वेट करते हैं लेकिन विजय सर नहीं आते तो वो सब बच्चे विजय सर से मिलने उनके घर पर चले जाते हैं। विजय सर कहते हैं कि उनके पास बच्चों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हमसे उधार कर लो, पर विजय सर कहते हैं कि मैं किसी से उधार नहीं करता और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें फुटबॉल दे दो, हम खेल कर वापस कर देंगे, और विजय सर का प्लान काम कर जाता है। वो यही चाहते थे कि उनको
फुटबॉल खेलने की आदत हो जाए और धीरे धीरे वो सारे मवालियों वाले काम छोड़ दें। फिर वो बच्चे बिना किसी लालच के फुटबॉल लेकर खेलने लगते हैं और विजय सर उनको देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। शाम को विजय सर बच्चों से कहते हैं कि वो कॉलेज की टीम के साथ उनका एक मैच करवाना चाहते हैं और उस मैच में उनको कॉलेज की टीम को हराना होगा। अगले दिन विजय सर उन सबको ट्रेनिंग देते हैं और वो बच्चे भी अपनी जी जान लगा देते हैं। फिर विजय सर कॉलेज की टीम के साथ फ्रेंडली मैच करवाने की परमिशन मांगते हैं, पर कॉलेज हेड स्लम एरिया की गंदगी को कॉलेज में आने से मना कर देता है। कुछ दिनों के बाद विजय सर रिटायर होने वाले थे तो वो अपनी रिटायरमेंट के गिफ्ट के तौर पर मैच की परमिशन ले लेते हैं। विजय सर ने उन बच्चों को मैच के लिए तैयार होकर आने के लिए कहा था, लेकिन उन बच्चों को स्पोर्ट्स की समझ नहीं होती तो वो ऐसे तैयार होकर आते हैं जैसे वो किसी बस्ती वाले की शादी में आए हैं। मैच शुरू होने से पहले कॉलेज की टीम का कोच उन्हें कहता है कि ये बस्ती वाले तुम्हारे सामने टिकने नहीं चाहिए, हमें कम से कम 10-0 से जीतना होगा। विजय सर अंकुश को टीम का कैप्टन बना देते हैं, लेकिन अंकुश का ध्यान भावना की तरफ था जो उसी कॉलेज में पढ़ती है और अंकुश उसे लाइक भी करता है। थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाता है और कॉलेज की टीम कुछ ही मिनटों में अपना पहला गोल कर देती है। बस्ती की टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं होता जिसकी वजह से कॉलेज की टीम उन पर काफी हावी हो जाती है और वो फर्स्ट हाफ में लगातार 5 गोल कर देते हैं। हाफ टाइम में विजय सर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि गोगल पहन कर फुटबॉल नहीं खेला जाता, तुम फुटबॉल खेलने आए हो या किसी की शादी में आए हो। फिर वो बच्चों से कहते हैं कि कॉलेज की टीम को पूरा यकीन है कि तुम लोगों को फुटबॉल खेलना नहीं आता और तुम उनकी बात को सच कर रहे हो। विजय सर की बात उन सब बच्चों को मोटिवेट करती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी जान लगाकर कॉलेज टीम को पूरी टक्कर देते हैं और एक एक करके गोल करने लगते हैं। सब लोग बस्ती की टीम का जलवा देखकर हैरान हो जाते हैं। मैच के एंड में दोनों टीमों की स्कोर 5-5 की बराबरी पर होती है और टाइम खत्म हो जाता है। स्कोर बराबर होने की वजह से शूटआउट शुरू हो जाता है। शूटआउट के शुरुआती राउंड में कॉलेज की टीम उन पर भारी पड़ती है जो 2-0 से आगे चल रहे थे, लेकिन वो बच्चे अपनी पूरी सूझबूझ के साथ खेलते हैं और स्कोर फिर से बराबर हो जाती है। अब झोपड़पट्टी की टीम के पास आखिरी मौका था। स्ट्राइक पर बाबू आता है जो इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, जिसकी वजह से कॉलेज की टीम को अपने गोलकीपर पर काफी कॉन्फिडेंस होता है। विजय सर बाबू को एक ट्रिक बताते हैं और उसे यूज करके बाबू गोल कर देता है और झोपड़पट्टी की टीम जीत जाती है। उन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी और उन्होंने सबको इम्प्रेस दिया था। भावना भी अंकुश की परफॉर्मेंस देखकर उसे इम्प्रेस हो गई थी। इसके बाद विजय सर उन सबको अपने घर ले जाते हैं और एक एक करके उनके बारे में पूछने लगते हैं। बाबू बताता है कि बचपन से ही वो यही चाहता था कि किसी तरीके से वो एक मर्डर कर दे ताकि बस्ती में उसकी इज्जत बढ़ जाए और उसे बाद में काफी काम मिलना शुरू हो जाएगा। एक लड़का कहता है कि वो पहले बहुत नशा करता था, लेकिन अब उसने नशा छोड़ दिया है और वो अपने सामने किसी दूसरे को भी नशा नहीं करने देता। उनमें से एक लड़का जिसका नाम योगेश होता है वो बताता है कि उसके पिताजी नहीं है और घर के गुजारे के लिए वो चोरी करता है। उसे बैंजो बजाना बहुत अच्छा लगता था और वो बैंजो बजाकर सबको सुनाता भी है। अंकुश भी इन्हीं लोगों में से एक था और वो भी ऐसी ही जिंदगी जी रहा था। इसके बाद विजय सर को कॉलेज से रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन विजय सर रिटायरमेंट से ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि वो और काम करना चाहते थे। योगेश अपने दोस्तों के साथ ट्रेन से कोयला चुरा रहा होता है और पैर फिसलने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। योगेश के मरने के बाद उसके दोस्त और विजय सर काफी दुखी होते हैं। विजय सर इन लोगों को सुधारना चाहते हैं ताकि ये अच्छी जिंदगी जी सकें। इसके बाद विजय सर को एक बच्चा झोपड़पट्टी टूर्नामेंट करवाने का आइडिया देता है जिसमें बाकी सारी झोपड़पट्टी के बच्चे भी खेल सकते हैं। विजय सर को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो टूर्नामेंट करवाने के लिए कॉलेज यूज करने की परमिशन भी ले लेते हैं। अंकुश की लड़ाई वो गैराज वाले लड़के के साथ हो जाती है और उसके आदमी अंकुश को पकड़ लेते हैं, लेकिन अंकुश उन्हें ब्लेड मारकर वहां से भाग जाता है। अंकुश को पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अंकुश इधर उधर छुपने लगता है। दूसरी ओर विजय सर झोपड़पट्टी का नेशनल टूर्नामेंट करवाने की तैयारी में लगे थे और सारे बच्चे विजय सर का पूरा साथ दे रहे थे। फुटबॉल टूर्नामेंट की खबर वायरल हो जाती है और दूसरे शहरों की बस्तियों से निकलकर काफी बच्चे हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद अंकुश विजय सर से फोन पर बात करता है और विजय सर उसे पुलिस को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। पुलिस वाले अंकुश को खूब मारते हैं और अंकुश को 3 महीने के लिए तड़ी पार कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकता। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन की पटरी पर एक लड़का सुसाइड करने के लिए आया था, लेकिन टूर्नामेंट की आवाज सुनकर वो प्लेग्राउंड में चला जाता है और फुटबॉल का मैच देखने लगता है। टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और वहाँ अलग अलग शहरों से बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आए थे। एक टीम के पास अपना गोलकीपर नहीं था तो वो लड़का उनका गोलकीपर बन जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। झोपड़पट्टी के बच्चों ने टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम में काफी गंदगी फैला
लगा दी थी, जो कॉलेज की दीवारों पर पेशाब कर रहे थे, गुटखा खाकर थूक रहे थे और एक दूसरे से गाली गलौज और मारपीट उनमें आम बात थी। कॉलेज हेड को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें लगता है कि झोंपड़पट्टी के बच्चे कभी सुधर नहीं सकते और वो विजय सर को टूर्नामेंट बंद करने के लिए कहते हैं। विजय सर को शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर टूर्नामेंट करवाने की परमिशन मांगी थी। विजय सर की शर्मिंदगी से बच्चों को काफी बुरा लगता है, जो खुद सारी ग्राउंड का कचरा उठाते हैं और वो वादा करते हैं कि कल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन टूर्नामेंट फिर से शुरू हो जाता है। टूर्नामेंट की खबर देश विदेश के न्यूज चैनल दिखा रहे होते हैं। मीडिया वाले कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट सक्सेसफुली खत्म हो जाता है और कॉलेज हेड विजय सर को टूर्नामेंट करवाने के लिए सम्मानित करते हैं। वहाँ पर विजय सर का बेटा भी आया होता है, क्योंकि विजय सर टूर्नामेंट की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुके थे और अर्जुन को अपने पिता पर प्राउड फील हो रहा था। इसके बाद अर्जुन विजय सर को बताता है कि उनकी टीम को जॉर्जिया से फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए इन्विटेशन आया है। फिर वो सबको फोन करके बताते हैं कि उनकी सिलेक्शन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हो चुकी है। कुछ लड़कियों के घर वाले उन्हें विदेश नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन किसी तरह विजय सर उनको मना लेते हैं। उनमें से एक मोनिका नाम की लड़की होती है जिसके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होता और वो बड़ी मुश्किलों से अपना आईडी प्रूफ लेकर पासपोर्ट अप्लाई करती है। सभी बच्चों को फ्लाइट से जॉर्जिया लेकर जाना था, जिसमें बहुत बड़ा खर्चा आने वाला था, तो पैसों का इंतजाम करने के लिए अर्जुन विजय सर को साथ लेकर एक मंत्री के पास फंड्स मांगने के लिए जाता है। लेकिन मंत्री कहता है कि उसने ऐसे टूर्नामेंट का पहले कभी नाम भी नहीं सुना। विजय सर को कुछ अच्छा फील नहीं होता और वो वहाँ से उठकर बाहर चले जाते हैं। फिर वो अर्जुन से कहते हैं कि वो किसी से पैसे नहीं मांगेंगे, वो जैसे तैसे खुद ही पैसे अरेंज करेंगे। रजिया का पति भी उसे सपोर्ट करने लगा था, जो रजिया का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अंकुश भी अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसकी पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग होती है। वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस थाने में जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पुलिस केस चल रहे थे, तो एक पुलिस वाला उसे थप्पड़ मारकर वहां से भगा देता है। विजय सर भी पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया था, तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाती। कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाती है। ओपोजिशन का वकील कहता है कि ये सारे गुंडे मवाली हैं, जिनके ऊपर काफी केसेस दर्ज हैं। अगर ये सभी फॉरेन कंट्री में जाकर क्राइम्स करेंगे तो भारत का नाम बदनाम होगा, और अगर हम इनको फॉरेन कंट्री जाने की परमिशन देंगे तो हम भी क्राइम्स का हिस्सा बनेंगे। वकील बच्चों को सभ्य नहीं मानता था, इसीलिए वो बच्चों की टीम को झुंड कहकर बुलाता है और वो सबके पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए भी कहता है। फिर विजय सर जज को बताते हैं कि वो एक एक बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से गलत रास्ता नहीं चुना था, बल्कि उन्हें मजबूरी में चुनना पड़ा था। विजय सर कहते हैं कि कोई भी स्कूल, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी उनका सिलेक्शन नहीं करती, क्योंकि स्कूल कॉलेज की दीवारों के उस पार बहुत बड़ा भारत रहता है, जो आज भी अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि ये बच्चे एक पत्थर मारकर सुअर को मार गिराते हैं और हम इनको बहुत बेहतरीन तेज गेंदबाज बना सकते हैं। ये चोरी करने के बाद इतना तेज भागते हैं कि अगर ये ओलंपिक में भागेंगे तो गोल्ड मेडल ला सकते हैं। ये बच्चे किसी और से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की समस्याओं से भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देश गोल्ड मेडल जीतकर ले जाते हैं, क्योंकि हम इन जैसे टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये झुंड नहीं है, भारत की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम है और अंकुश इस टीम का होनहार कैप्टन है। ये सब सुधरना चाहते हैं और फुटबॉल एक जरिया है जो इन्हें अपराधी से आम इंसान बना सकता है, और ये साबित करने के लिए वो सिर्फ एक मौका मांगते हैं। फैसले के बाद हमें पता चलता है कि अंकुश को छोड़कर बाकी सब बच्चों को भेजने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। विजय सर अंकुश को हौसला देते हैं और कहते हैं कि अगली बार वो उसे जरूर लेकर जाएंगे। अंकुश अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा करने जा रहा था, पर वो कर नहीं पाया। इस बात का उसे बहुत गुस्सा होता है, तो वो उस पुलिस वाले का मर्डर करने की सोच रहा होता है, क्योंकि उसने पुलिस वेरिफिकेशन करने से मना कर दिया था। फिर अगले दिन पोस्टमैन अंकुश का पासपोर्ट उसके घर लेकर आता है। अंकुश बहुत खुश हो जाता है और वो अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट की ओर भागता है, लेकिन वो गैराज वाला घमंडी लड़का अंकुश और उसके दोस्तों को पकड़ कर ले जाता है और उन्हें मारने लगता है। अंकुश उसे बहुत माफिया मांगता है, उसके जूते पर नाक भी रगड़ता है, पर वो नहीं मानता। तभी भावना पुलिस वाले को अपने साथ लेकर आती है और उसे वहां से छुड़वा कर एयरपोर्ट छोड़ देती है। भावना भी अंकुश को लाइक करने लगी थी। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान अंकुश अपनी टीम के पास पहुंच जाता है। वो अपना सारा सामान ट्रे में रखकर चेकिंग के लिए जाता है, लेकिन उसने अपनी पैंट में पुलिस वाले का मर्डर करने के लिए ब्लेड छुपाया था, जिसकी वजह से मशीन आवाज करने लगती है। अंकुश जब उस ब्लेड को कचरे के डिब्बे में फेंक कर दोबारा से आता है तो मशीन कोई आवाज नहीं करती। अंकुश को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सारे अपराध और बुरे कामों को छोड़कर एक साफ सुथरा आम इंसान बन चुका है और उसके कैरेक्टर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका है। ये मोमेंट उसके लिए बहुत बड़ी होती है। उसने ऐसा पहले कभी भी महसूस नहीं
नहीं किया था और वो विजय सर के गले लगकर रोने लगता है क्योंकि ये सब विजय सर की बदौलत ही हो पाया था। फिर वो सभी बच्चे विजय सर के साथ फ्लाइट में बैठकर टूर्नामेंट के लिए चले जाते हैं जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपना धमाल मचाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। ये मूवी आपको बहुत अच्छे मैसेजेस देती है और मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।